हॉर्न का तो नहीं सुना जी जो, अभी तो उतर रहे। बहुत अच्छी बात है, जब वादियां बोलते हैं ना चढ़ते समय में आ गए हैं, चढ़ते समय प्रिया को दे देंगे गाड़ी हम, हम भाई पैदल चढ़ के कुड़ी मैंने कहती अरे जूते लंदा सोनिया अरे जान सोनिया प्रिया क्या वो है यार नजारा है। बोलते हैं ना कुछ चीजें हम फोन में नहीं वो कर पा सकते हैं, तो ये फील कर सकते हैं तो ये जगह वैसी ही है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है पर इसको फील है। कल मैं सोच अब यही साइड में रुको, हम लोग फोटो वोटो खिंचवाए यार, ले लो पुदीना ये जा तो आ कैसे करना था यार, तो ले लो पुदीना चिल्लाई भैया जा ओ हो हो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा करना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं पूजा और आज आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ श्री साईं टेंपल की, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ और ये है प्रवेश द्वार, तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। यहाँ तो यही डर लगता है, लोग बोलने लगते हैं कि मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, हम ले मोबाइल लेके जा नहीं सकते, प्लेस इतना अच्छा रहता है, टेम्पल इतनी अच्छी रहती। तो गाइस मैं आप लोगों को ना जूम करके दिखा रही हूँ, अंदर पता नहीं मोबाइल ले जाने देंगे या तो फिर जमा करवा देंगे, इस वजह से मैं ना यहीं से शूट कर रही हूँ, और अगर अंदर ले जाने देंगे तो मैं आप लोगों को ले कर चलूँगी और दिखाऊँगी भी। तो अरे ले ले पुदीना चिल, हम तो ऐसे किए रहेंगे गाइस, मैं ना रिस्क लेके आप लोगों को ये दिखा रही हूँ व्यू गाइस, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जब बोलेंगे हम लोग दे देंगे, तो कितना अच्छा प्लेस है, कितना अच्छा प्यारा सा जगह है, और ये है बजरंगबली की स्टैचू, बजरंगबली जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ, तो उनका दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो ये श्रीशैलम में हम आए हैं, जब डैम से आप वापस आने लगे अगर आप जाइए श्रीशैलम आएंगे, डैम जो है और पाताल गंगा है, उसके बाद जब आप रिटर्न होंगे ना घर को जाने होटल के साइड जाने के लिए ऊपर जाएंगे, तो ये प्लेस बीच में आता है, साईं टेंपल के नाम से ही है, ऐसा लगता है कि वो साईं टेंपल है पर क्या है कि साईं ही टेंपल नहीं है, बहुत अच्छा सा प्लेस बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप बैठिए अच्छे से खाइए, आपको स्नैक्स जैसे ले आके बच्चों को थोड़ा सा घुमा दीजिए, रिलैक्स होने वाला जो प्लेस होता है ना वो है ये। और यहाँ पे देखिए जब अर्जुन जी को उपदेश दे रहे थे कृष्ण जी, ये तब का सीन बनाया गया है, तो सब कुछ बनाया गया ही है, नेचुरल कुछ भी नहीं है पर बहुत ही प्यारा है, तो यहाँ पे आप काफ़ी देर तक रह सकते हो इस प्लेस पे, तो जब भी आप श्रीशैलम आइए ना तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए, इसलिए मैंने पूरा आप लोगों को प्रॉपर मैं दिखा रही हूँ और इसीलिए शूट भी कर रही हूँ कि ये जगह अच्छी है, जैसे होता है ना थक जाते हैं तब के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये है साईं बाबा की टेम्पल जो कि हम आ गए हैं अंदर दर्शन करने, तो यहाँ पर फ़ोन अलाउड था इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन करा दे रही हूँ, अभी पता नहीं है। हाँ अभी बहुत बड़े मंदिर है तो अभी अंदर जाएंगे तब देखेंगे, प्रिया अंदर आ जाओ, इधर से निकलेंगे शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली और धुने वाली, दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा
आया है तेरे दर पे सवाले। अब हम लोग चल रहे हैं और दूसरे टेंपल में दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये साईं टेंपल है जो कि वो पुरानी साईं टेंपल थी और ये बनाई गई है। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा सा शूट किया है और इस वजह से मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रही थी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये साईं बाबा की। पर यहाँ पे सारे भगवान लोग बने हुए थे, सबकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये साईं टेम्पल। बच्चे भी आ गए हैं जी, ये हमारे बच्चे आ गए हैं। देखिए मासी उनके शूट कर रही हैं बच्चों की वीडियोस। और ये देखें, ये आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पे देखने को ये सब वीडियो चिप्स मिलेगा। चिप्स नहीं खाए, चिप्स नहीं खाए। और ये हमारे पति देव जी हैं, वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ये देखो दोनों का चल रहा है फोटो खिंच। जीजा साली खाना खाने बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ना वहीं पे खाना खाने आए जहाँ पे हम कल खाए थे ना। बहुत टेस्टी खाना था और बहुत अच्छा लगा था। इसमें क्या था ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जब डैम से आप वापस आने लगेंगे और या तो जाते रहेंगे ना, तो वो रास्ते में ही है, बहुत अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट, तो उसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो उसी में जाइए। होटल का नाम क्या है वो मैं देख के आप सबको बता दूँगी, पर बहुत ही टेस्टी खाना। और कम से कम आप लोग देख ही रहे होंगे थाली में स्पेस नहीं है। तो हलवा इसका बहुत टेस्टी था, इसलिए मैं हलवा खाई थी। और दूर रहते तो क्या ये सब पता चलता। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रूम था ना वो टेंपल से बहुत ही पास था, जो हमारा होटल था। तो वो हमने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि पास में ही लिए थे, तो जो भी कार्यक्रम होते थे या जो भी सेलिब्रेशन यहाँ पे होता था वो हम लोगों को तुरंत पता चल जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब भी आप होटल लीजिए ना श्रीशैलम में, तो नियर आप ज़रूर होटल देखिए, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी कर्नाटका का और या तो आंध्र प्रदेश का जितने भी कल्चरल डांस है ना, वो सब यहाँ पे हो रहा था। और बहुत अच्छा प्रोग्राम किए थे। और भगवान जी की पालकी भी निकलेगी थोड़ी देर में, अभी नहीं। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से घूमने निकले, उसके बाद वो सब देखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मार्केट है, जैसे ही टेम्पल का जो मेन गेट है जहाँ पर पैदल जाते हैं लाइन लगती है,
वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक लोकल मार्केट आपको दिखेगा, मतलब अंदर तक आप जाएंगे मार्केट ही मार्केट है। अच्छा प्रोग्राम है आज ना, ये है मार्केट, हम लोग लोकल मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ का ये बहुत अच्छी शॉप है, इसमें सब कॉस्मेटिक जितने भी हैं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में बज रहा था गाना और वही मैं आप लोगों को बता रही थी और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी, ये लोकल मार्केट था, यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें देख रहे थे और यहाँ पे मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो बोलने से फ़ायदा क्या है। और अब हम मार्केट से निकल चुके हैं, बाहर घूम रहे हैं रोड पर, तो चाय वाय पियेंगे, ऐसे बाग से चाय पियेंगे और चीज़ें आप लोगों को जो भी हैं दिखा रहे हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं, कोई दर्शन करने जा रहा है कोई कहीं जा रहा है और हम लोग भी निकल पड़े हैं बाई वाक घूमने। फ्रेंड्स ये टेंपल का जो सामने दिख रहा है वो मेन द्वार है, यहाँ से लाइन लग के जाती है और यहाँ पे भी भगवान का जो है टेंपल से सामने ही दिखता है, तो यहाँ पे भी पूजा आज हो रही थी, मतलब डेली होती है। और उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, हमने चाउमीन खाया और मंचूरियन खाया और चाय पी, उसके बाद फिर हम लोग ले कर आ गए रूम में, बच्चे तीनों एक ही साथ थे, तो उसके बाद प्रणव लोगों को ले कर आ गए कि उन लोगों को अच्छा लगेगा और प्रणव को बहुत ज़्यादा लग रहा था तीखा, तब भी वो खा रहा था। और इधर आराध्या भी लग गई थी, मैंने पूछा कि उसको तीखा है, बोल दिया नहीं, मतलब उसको मंचूरियन या चाउमीन मिल जाता है तो बच्चों को तीखा नहीं लगता है। तो रात हो गई है 9:30 और इसके बाद ये नाश्ता करेंगे, हम लोग जाएंगे खाना खाने।